यानी सिंगल पर्सन जैसे ही होता है ऐसे माई कजन होता है। तो जो ही के साथ लगेगा उसके साथ वर्क्स लगता है, हेल्प्स लगता है और प्रेजेंट में, तो वहाँ पे वर्क्स लगा है। तो दोनों जगह पे माई कजन जो के सब्जेक्ट है इसलिए दोनों वर्ब जो है वर्क्स और हेल्प्स दोनों जो है वो उनके साथ ऐसे लगा है जो कि प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल इनडेफिनेट में एस या ई एस लगता है सिंगल सब्जेक्ट के साथ। हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। अब दोबारा इस फिक्र को पढ़ता हूँ। समटाइम माई कजन हु वर्क्स इन अ बैंक एंड इज वेरी एक्यूरेट एट फिगर्स हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। कलेक्टिव नाउन जो है, एक मिसाल मैंने ऑडियंस की आपको दी है, तो इसके अंदर जो है आप देखें कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो एक लफ्ज होता है द रेस्ट, द रिमाइंडर, ऑल ऑफ, सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, द मेजॉरिटी। इन लफ्जों के साथ कैसे हमने ट्रीट करना इसको आप देखते हैं। यूज ए सिंगुलर वर्ब व्हेन दीज वर्ड्स रेफर टू एन अनकाउंटेबल नाउन। जब ये लफ्ज द रेस्ट ऑफ, द रिमाइंडर, ऑल ऑफ, सम ऑफ रेफर करें अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिनको आप गिन ना सके, जैसे चावल, फर्ज करो 100 चावल के दाने, ऐसे चावल जो होते हैं उनको आप गिन नहीं सकते, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, शुगर को आप गिन नहीं सकते। तो रेस्ट ऑफ द शुगर वाज ईटन बाय हिम, बाकी चीनी को वो खा गया, ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर और मिल्क, वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। चाहे जनाब इसको देखें आप काउंट कैसे करते हैं, 10 बकेट्स ऑफ वाटर, 10 किलोज ऑफ मिल्क, इस तरह उसको आप मेजरमेंट से काउंट करते हैं। यूज अ प्लूरल वर्ब, आपने प्लूरल वर्ब कब लगानी है? यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन दे रेफर टू ए प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब वो काउंटेबल नाउन की तरफ रेफर करें तो फिर आप प्लूरल वर्ब उसमें लगाएं, आर लगाएं, वर लगाएं, हैव लगाएं। रेस्ट ऑफ द मेन, बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द केक्स, बाकी वाले केक, चार केक तो मैं खा गया, बाकी मैंने असलम को दे दी। ये इससे कहते हैं रेस्ट ऑफ द, कहते हैं बाकी। रेस्ट ऑफ द केक्स, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स, एप्पल को आप काउंट कर सकते हैं, 10 है के 15 हैं। अच्छा, रेस्ट ऑफ द मेन आर बैड, ये 10 अच्छे हैं बाकी बुरे हैं, लोग हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल आर बैड, बाकी लोग बुरे हैं, ये 2 अच्छे, 3 अच्छे हैं। रेस्ट ऑफ द केक्स आर बैड, ये 2 केक अच्छे ही खा लो, बाकी बुरे उनको फेंक दो। रेस्ट ऑफ द एप्पल्स आर बैड, ऐसे आप रेस्ट ऑफ कहते हैं बकाया। रेस्ट वैसे आराम करने को भी कहते हैं, मगर ये इसमें खास एक एक्सप्रेशन है, रेस्ट ऑफ, इसको कहते हैं बकाया कोई चीज़ की। मसलन रेस्ट ऑफ द शुगर मतलब वाज थ्रोन, वाज रेस्ट ऑफ द शुगर वाज सोल्ड, बाकी चीनी बेच दी गई और कुछ चीनी हमने इस्तेमाल कर दी, रेस्ट ऑफ द शुगर वी सोल्ड इन द मार्केट। अब आप देखें एक और को, इसको देखते हैं, रेस्ट ऑफ द मीट, राइस, बटर, मिल्क, वाटर इज बैड। अब इसमें भी रेस्ट ऑफ द इस तरह लगा हुआ है। ए लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, ए लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू द सेरेमनी या टू द स्टेशन। ए लॉट ऑफ कहते हैं, आप देखें इसमें लगता है कि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए हम आर लगाएंगे और प्रेजेंट में, और उसके साथ वर लगाएंगे पास्ट में, और अगर पास्ट में सिंगुलर के साथ भी हेड लगता है, प्लूरल के साथ भी हेड लगता है, तो उसकी जो वर्ब होगी जहाँ जहाँ भी आपको नजर आए, ए लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी, वट एवर यू कैन यूज उसमें। आपने रूल को याद रखना है कि रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल है। समटाइम ए वर्ब इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट बाई मैनी वर्ड्स। बाज़ुकात ना एक मतलब काफ़ी सारे वो होते हैं, लफ्ज़ होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, फिर भी उसको उसके साथ मैच करना चाहिए। सिंगल बंदे की बात है तो फिक्रे में पूरे में हर जगह वर्ब सिंगल होनी चाहिए। मसलन अब आप देखें, समटाइम माई कज़न, अब एक कज़न की बात हो रही है, समटाइम्स माई कज़न हु वर्क्स इन ए बैंक,
अब वर्क्स मतलब सिंगल का है, सिंगल के साथ ऐसे लगता है वर्क्स, सिंगल के साथ लगता है ये वर्क, ये भी वर्ब है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब है जिसमें ऐसे लगता है ही गोज टू स्कूल। अब ये गोज ही के साथ लगेगा, दे गोज नहीं लगता। माई कजन्स अकेले की बात हो रही है, हु वर्क्स इन ए बैंक एंड इज अ वेरी एक्यूरेट, इज वेरी एक्यूरेट एट फिगर्स। फिगर्स क्या होती है, मैथ को कहते हैं, काउंटिंग शाउंटिंग को कहते हैं। हेल्प्स मी, अब ये हेल्प्स मी वर्ब है, प्रेजेंट की वर्ब है और ऐसे लगा हुआ है मतलब यानी सिंगल पर्सन, जैसे ही होता है ऐसे माई कजन होता है, तो जो ही के साथ लगेगा उसके साथ वर्क्स लगता है, हेल्प्स लगता है और प्रेजेंट में, तो वहाँ पे वर्क्स लगा है। तो दोनों जगह पे माई कजन जो कि सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों वर्ब जो है वर्क्स और हेल्प्स दोनों जो है वो उनके साथ ऐसे लगा है जो कि प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल इनडेफिनेट में एस या ई एस लगता है सिंगल सब्जेक्ट के साथ। हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। अब दोबारा इस फिक्र को पढ़ता हूँ। समटाइम माई कजन हु वर्क्स इन अ बैंक एंड इज वेरी एक्यूरेट एट फिगर्स हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। वो कहता है वो मेरा कज़न है, बैंक में काम करता है, उसके मैथ उसके हिसाब किताब भी बड़ा अच्छा है, तो ही हेल्प करता है वो मेरे होमवर्क में। सना लिव्स इन द सेम सॉर्ट ऑफ हाउस एज मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स डू, बट ट्रेवल्स टू ओवरसीज समटाइम एज पार्ट ऑफ हर जॉब। अब सना जो है लिव्स, अब सना जो है अकेली लड़की है और प्रेजेंट की बात हो रही है तो वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो ये सिंगल के साथ लगता है, सना सिंगल है, उसके साथ वर्ब के साथ एस लगा है। सना लिव्स इन सेम सॉर्ट ऑफ हाउस एज मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड, जैसे उसके ज़्यादातर फ्रेंड डू मतलब जैसे वो उसके फ्रेंड करते हैं। बट ट्रेवल्स, अब देखिए सना ट्रेवल्स, यहाँ पे दूर वर्ब आया है, सेकंड वर्ब आया है, एक फिक्रे में एक से ज़्यादा वर्ब लगे हैं, तो दोनों के साथ सना जो है ही उसका सब्जेक्ट है, ट्रैवल का सब्जेक्ट भी सना है, लिव्स का सब्जेक्ट भी सना है, तो सना लिव्स और सना ट्रैवल्स टू ओवरसीज कंट्रीज एज पार्ट ऑफ हर जॉब, अपनी जॉब के सिलसिले में वो ट्रैवल करती है। ऐसे नहीं करेगा कि सना ट्रैवल करते हैं, ऐसे नहीं होगा, तो ऐसा कैफियत पैदा भी ना हो वरना फिक्रा गलत हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।